हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे परम पूजनीय विद्वान पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने के लिए कहते हैं, किंतु मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है, तो मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं, कृपा करके इस उपवास को मैं करने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पेट में प्रज्वल अग्नि रहती है और मैं मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र भीम, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय है और वहाँ जाने की इच्छा है, नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत करना ही होगा। परंतु भीमसेन ने फिर कहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अगर व्रत करना, उसे निर्जला व्रत कहते हैं, उस दिन अन्न तो क्या पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते। एकादशी के अगले दिन प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण व जल दान करना चाहिए, यथाशक्ति दान करो और वह करके पारण के समय, व्रत खोलने के समय ब्राह्मणों और परिवार के साथ अन्न आदि ग्रहण करके अपना व्रत को विश्राम दे। जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक बिना पानी पिए रहता है तथा पूरी विधि से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशियां आती है, उन सब एकादशियों का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से इस निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट एवं संयम साध्य भी है। आपके पेशेंस का, एक्सट्रीम पेशेंस का चेक है दोस्तों। ये एक शारीरिक परीक्षण का दिन है, आपका टेस्ट स्वरूप होता है कि जब आप अपनी शारीरिक क्षमता का परीक्षण कर सकें, आप देख सकें कि मुझे कभी अगर एक दिन भूखा रहना पड़ा तो मैं रह सकता हूं कि नहीं, आप भूखे प्यासे एक दिन संयम से निकाल सकते हैं कि नहीं। आधुनिक युग और आने वाले समय में हो सकता है कभी जल का अभाव हो जाए, अन्न का अभाव हो जाए, जल की बचत करना भी सिखाता है दोस्तों ये पर्व। ये व्रत आपातकाल में, मुसीबत के काल में जीना सिखाता है। ऐसे व्रत हमारे धर्म, संस्कृति और देश में किसी न किसी उद्देश्य से बनाए गए हैं, ताकि हम अपने जीवन में किसी भी आपात स्थिति से निपट सकें। दोस्तों, गर्मी से समाज के सभी वर्गों को राहत मिले, इसलिए इन दिनों मीठे और ठंडे जल की छबीले लगाने की प्रथा उत्तर भारत में सदियों से चली आ रही है। जहाँ जल का अभाव है, वहाँ इसकी पूर्ति की जाए। और जेठ की तपती गर्मी, दोस्तों जेठ का महीना पसीना ही पसीना, जेठ की तपती गर्मी में इसी कारण हमारे धर्म में आज के दिन खरबूजे, पंखे, छतरियाँ, फल, जूते, अन्न, भरा हुआ जल कलश आदि दान करने का रिवाज है, ताकि सभी समाज द्वारा, सबल समाज जो दे सकते हैं, जो देने योग्य हैं, वो निर्बल और असहायों की सहायता करें। दोस्तों, व्रत की विधि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे करना है आपको व्रत। व्रत को दशमी के दिन से ही नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अगले दिन व्रत करने वाले होते हैं, उसके एक दिन पहले रात्रि से, कई लोग क्या करते हैं, कल व्रत करना है, आज खा लो, पिज्जा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा सब खा लो, क्योंकि कल तो फास्ट करना है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। नियम अनुसार क्या होता है, अगर आपको कल फास्ट करना है, आज आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए, आज आपको सात्विकता से, रात के समय सात्विकता मेंटेन करनी चाहिए।
दशमी के दिन से ही नियम का पालन आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन पूरे दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा हरे राम इसका जप करें, या कोई भी कृष्ण भगवान का आप जप कर सकते हैं दोस्तों। और प्रातः स्नान के बाद एक जल कलश का भर के पूजा के स्थान पर रखकर सफ़ेद वस्त्र से उसको ढक देना चाहिए। ढक्कन एक लगा दें, मट्टी का ढक्कन लगा दें, उस पर चीनी या कोई मीठा और दक्षिणा रख दें। आपके पास अगर मिट्टी के बर्तन नहीं है दोस्तों तो आप एक ग्लास ले लें छोटा, उसमें पानी भर लें, उसके ऊपर एक कटोरी रख के उसमें शक्कर पैसा एक आम रख करके उस पर आप हाथ जोड़ के बायना निकाल सकते हैं। दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको कंटिन्यूअस जप करना है और लक्ष्मी कामना के लिए लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए लक्ष्मी जी के चित्र या मूर्ति पर लाल पुष्प अर्पित करना है। रात में आपको भजन कीर्तन करें दोस्तों, धरती पर विश्राम या शयन करें, यथाशक्ति ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को ये कलश दान दें। आपके घर में अगर सास है तो सास को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी के पत्तों आदि से सुबह सुबह उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करें और पूजा पाठ जो नॉर्मल डेली पूजा पाठ है वो करके ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा अनाज का दान करके आदर सहित विदा करें। इसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य वाला व्रत है और पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से जहां मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वहीं अनेकों रोगों की निवृत्ति एवं सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत के प्रभाव से चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस व्रत की महिमा सुनकर आज आप लोगों ने जो कथा सुनी है जो श्रवण किया है पूरी बात उसको भी सुनने से बहुत महिमा का सुनकर मनुष्य उस पुण्य को पाता है और करोड़ों गौदान करने तथा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के समान इस व्रत को करने का महापुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार के अन्न एवं वस्त्रों से ब्राह्मणों को प्रसन्न करके गरीबों को प्रसन्न करके जरूरतमंदों को प्रसन्न और संतुष्ट करने वाले प्राणियों के लिए यह व्रत किसी राम बाण से कम नहीं है, क्योंकि व्रत के प्रभाव से मनुष्य की बीती हुई तथा आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव की दया से परम धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों व्रत रखने के साथ साथ दान का भी अत्यधिक महत्व है। ध्यान रखें राशि के अनुसार आप चाहे तो दान कर सकते हैं। मेष राशि वाले इस दिन सप्त धान का दान करें यानी 7 प्रकार के अनाज का दान करें। वृषभ राशि वाले सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले हरे फल आम खरबूजा आदि का दान कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जल की व्यवस्था वाटर कूलर पंखे कूलर आदि का दान करें। सिंह राशि वाले एसी धर्म स्थानों पर आप एसी लगवा सकते हैं, विद्युत उपकरण लगवा सकते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे ये। कन्या राशि वाले अनाथ आलय या लंगर में हरी सब्जियां या खरबूजे का दान करें। तुला राशि वाले मीठे जल या पेय के छबीले लगाएं। वृश्चिक राशि वाले भगवान विष्णु का स्मरण करें और तरबूजे का दान करें। धनु राशि वाले पीला ठंडा केसर युक्त दूध सबके लिए अरेंज करें गरीबों के लिए। मकर राशि वाले छतरी जल का पात्र कलश छायादार पौधा रोपण या शेल्टर का निर्माण कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जल से भरा हुआ घड़ा कूलर फ्रिज वाटर कूलर एम्बुलेंस वाहन जिसकी जैसे श्रद्धा शक्ति हो वो आप दान कर सकते हैं। और मीन राशि वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका पाठ और सर्वभूत हिते रतः की भावना से सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाना उनके लिए उनको निरोगी काया देता है और अन्य की छाया देता है। दोस्तों निर्जला एकादशी राशि के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो 100 पीढ़ियों तक होती है परम धाम की प्राप्ति ऐसा माना जाता है। और आज मैंने आपको महत्व और व्रत विधि बताई है कैसे आपको करना है ये निर्जला एकादशी का व्रत। दोस्त
किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। किसी तरह के प्राइवेट प्रॉब्लम्स हो दोस्तों, मुझे 10 जून के बाद आप ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijanari@gmail.com। दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने परिवार, भाई बंधुओं से सबसे शेयर करके रखें ताकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।